जी वेलकम टू आवर चैनल मूवी रेवाड़ू। उसमें हैं जी आलू अर्जुन हैं, श्रुति हैं और तीसरे हैं जी रामचरण। तो चलें जी लेट्स गो। डॉक्टर शैलजा को फौरन बुलाओ। पेशेंट को देखा डॉक्टर? हाँ देखा। 70% बर्न इंजरीज, आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। His facial tissues are being exposed to air, इसलिए उसका ब्रेन कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है। Even his vocal cords are infected. और बॉडी पर काफी गहरे जख्म भी हैं डॉक्टर। ये एक एक्सीडेंट था ना? उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बच पाया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी सांसें अब तक कैसे चल रही हैं। वो जीना चाहता है। He wants to live. I don't think it's possible. जब उसने अब तक हिम्मत नहीं हारी तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? It's not our duty. लेकिन पेशेंट कोमा में है डॉक्टर, और ना ही उसकी कोई खबर लेने आया है। अगर उसे कुछ हो गया तो who will take the responsibility? He is my responsibility. जिंदगी तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है, शांत हो जाओ प्लीज। सिस्टर, खोलो। जीवन में तुम्हें कभी इतने सरप्राइज नहीं मिले होंगे। बी रेडी फॉर इट। तुम्हारा ऑपरेशन मामूली नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सब्र रखना, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा।
हमें हर हाल में उसे ढूंढना होगा। क्या रे हीरो, ये फ्लैट खरीदने आया है? डील क्लोज, फ्लैट बिक गया टाटा। वो कहावत सुनिए ना, एक अनार सौ बीमार, इस फ्लैट के साथ यही हो रहा है। आप सच में सत्या हूँ ना सर? रस्ते का भिखारी हूँ, सड़क पे बहुत धूप थी इसलिए यहाँ छाव खाने आ गया, और अब भीख देने वालों को बुला बुला के भीख मांग रहा हूँ। आप बुरा क्यों मानते हो सर? आपकी शक्ल बंदरों से कम शरीफों से ज्यादा मिलती है, मैं तो जरा कन्फर्म कर रहा था। कहा ना फ्लैट बिक गया, चल निकल। कौन है बेटू? सत्या का दोस्त हूँ। इसको भी इसी वक्त टपकना था, इसके सामने सत्या होने का नाटक नहीं कर सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं सत्या नहीं हूँ तो लोचा हो जाएगा, डील पर पोछा लग जाएगा। आपका कोई दोस्त आया है क्या? हाँ दोस्त आया है, लंगोटिया यार है, बचपन में मेरी लंगोटी यही पहनता था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उठो। ठीक है, अगली बार आओगे तो रोकड़ा वोकड़ा लेके आना। अंदर आ जावे। नाम क्या बताया? राम। जानते हो मैं कौन हूँ? सत्या का मामा। मैंने उसे पाला पोसा, हट्टा कट्टा मुस्टंडा बनाया। हेलो, मेरे सामने उसकी निकल जाती है सुसु सुसु। क्या भाई, ये तेरे दोस्त का घर है, मतलब तू क्या कभी भी बिन बादल बरसात यहाँ टपक पड़ेगा? चल ठीक है यहाँ रह ले, लेकिन डिसिप्लिन से, सिर्फ दो दिन तुझे झेलूंगा, उसके बाद एक सेकंड भी रहा तो लात मार के निकाल दूंगा। ओए वहां कहां जा रहा है? वो वाले कोने में पड़ा रहा है। अबे सुनाई नहीं दे रहा, बहरा है क्या? खुलजा सिम सिम, खुफिया कमरा। पहले पता होता तो उस दड़ियल से 10 लाख रुपए और मांग लेता। अरे सत्या ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया? और तो जैसा है, कोई भी बात उसके पेट में नहीं रहती। वैसे तू यहाँ आया किस लिए है? कोई इंटरव्यू वगैरह है या और कोई काम? 4 लोगों का खून करने आया हूँ। देवा भाई, वो लड़की कहीं दिख नहीं रही है, भाग गई है। क्या वीरू भाई को जाके बोल सकता है वो भाग गई? नहीं, बोल ना, तू जाके ढूंढ उसे। प्लीज़
अच्छा अल्लू अर्जुन जो थे सत्या बनाया हुआ था ना, उसका उसको तो मार दिया था उन्होंने, लेकिन वो बच गया उसकी सांस से, लेकिन उनका चेहरा सारा आधा जल चुका था। उसकी फिर सर्जरी की है, अब जिस डॉक्टर ने की वो उनको इलाज है, वो कह रही है पकड़ो बड़ा मसला बन जाएगा कुछ है उस इस चेहरे के पीछे, मुझे लगता है कोई स्टोरी है। हाँ, ये तो आगे देखेंगे तो पता लगेगा। और चेहरा जो है वो रामचरण जो हीरो है उसका बना दिया गया, और वो रामदंदन क्या नाम वो भी आ गई यार, ये हर घर में कब्जा किया हुआ है। बाय बाय।